सोफ के साइड के सजिया ऐसे हकी चेरन मंटू आया हूँ बंगाली बैंक में और तो जैसे शुरुआत मंटू का लेली ने चौक लेली ने चौके से शुरुआत की और ये छक्का अच्छा बल्लेबाज अच्छा बल्लेबाजी अभी और ये रिवर्स सॉफ्ट छह रन चार लंबा चक्का लीलू के बल्ले पर हेलो हेलो और देखिए वादन स्वीकार करते हुए लीलू जी दो मैचों में 250 लगा चुके हैं अभी भी नाबाद है पहला मैच में 58 रन बनाए हैं अभी दूसरा में भी 58 रन हो चुके हैं अभी भी बल्लेबाजी करते हुए लीलू जी और इसी बीच एक जबरदस्त शॉट और सीधे फील्डर के हाथों में उस दिन भी 58 रन बनाने के बाद अपना विकेट फेंक के आए थे और आज भी 58 गेंदबाजी करेंगे सामने है मोंटू और गेंदबाजी करेंगे शुभंकर गांगुली और ये गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए फिर से एक बार और ये चार रन बहुत ही लाजवाब स्कोर लेग की दिशा में स्कोर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच खेल कर ये चार रन प्राप्त किए मोंटू फिर से एक बार मोंटू शुभंकर का सामना करते हुए और बहुत ही अच्छा स्टेट ड्राइव हालांकि फील्डर मौजूद अन्यथा यह चार हो सकता था बहुत ही लाजवाब शॉट मोंटू के द्वारा हालांकि दो गेंदों में अभी तक 5 रन बन चुके हैं बहुत खराब गेंद था इस बॉल को आप कहीं पे भी मार कर चौका या छक्का प्राप्त कर सकते थे हालांकि पहला गेंद था जिस वजह से मोंटू कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि शॉट जबरदस्त था फील्डिंग भी उतना ही जबरदस्त था इस वजह से सिर्फ 1 रन हुए मोंटू सामना करेंगे शुभंकर का बहुत ही अच्छा शॉट और फील्डर मौजूद नहीं और दो फील्डरों के बीच में सेव गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर डावर लाल धर्मनगर चौका मैंने तो पहले ही कहा जब तक मोंटू क्रीज में मौजूद है तब तक कुछ भी हो सकता है फिर से एक बार शुभंकर और मोंटू फिर से एक बार दो फील्डरों के बीच में से और ये नीलू के गफलाती की वजह से जहां 1 रन और ये 4 रन अंपायर का निर्णय ये 4 रन जहां पे सिर्फ 1 रन मिलने चाहिए थे वहां पे थोड़ा सा गफलाती की वजह से 4 रन प्राप्त करते हुए मोंटू और इसी प्रकार का बल्लेबाजी करना होगा अगर उसको मैच को जिताना है तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 57 4 विकेट के नुकसान पर स्कॉर्पियन का कुल स्कोर यानी इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर में 90 रनों की आवश्यकता है यानी 15 का एवरेज चाहिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज इस बार मोंटू सामना करेंगे वही घातक गेंदबाज का जो 4 गेंदों में 3 यॉर्कर रख चुके हैं क्या चौथी गेंद भी यॉर्कर हो सकती है
बहुत ही अच्छा। इस बार थोड़ा सा ओवर पिच बॉल में भटके और नतीजा 6 रन। जब तक मोंटू क्रीज में मौजूद तब तक नतीजा उनके पक्ष में जा सकता है। बहुत अच्छा गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंद, बल्ले और पैर के बीच में हर गेंद को डिलीवर करते हुए। थोड़ा सा चुके थे जिस वजह से छक्का लगा था इसके पहले वाला बॉल में। और बीच मैदान में ड्रिंक्स चलता हुआ, दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस मैच को जीतने के लिए स्कॉर्पियन को 5 ओवरों में 78 रन की आवश्यकता है और उनके हाथ में सिर्फ 6 विकेट मौजूद है। हालांकि मोंटू और मोनू दोनों क्रीच में मौजूद हैं, इस वजह से कुछ भी हो सकता है मैच में। 5 ओवर में 70-80 रन बनाना कोई ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं इस छोटे से ग्राउंड में। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। एक ओवर अगर अच्छा चला जाए गेंदबाजी की ओर से तो पलरा उनका भारी हो सकता है, और एक ओवर अगर बल्लेबाजी के नज़रिए से अच्छा चला जाए तो उनका पलरा भारी हो सकता है। टेनिस का मैच है जिसमें 20 का भी एवरेज का हो सकता होगा, 5 ओवर में 100 भी तो बन सकते हैं। इसलिए उम्मीद जताया जा सकता है कि इस मैच को जीतने के लिए जो 78 रन चाहिए स्कॉर्पियन को वो बना सकते हैं। हालांकि अभी तक देखने मिला है, और शुभंकर फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे और ड्रिंक समाप्त होते हुए। पहला गेंद को कवर नहीं कर पाया, कमेंट्री में मैं चला गया था जिस वजह से। हालांकि पहले गेंद में मोंटू ने 54 प्राप्त किया और इस मैच को जीतने के लिए अभी 4.5 ओवरों में 74 रनों की आवश्यकता है। और इसी बीच एक लाजवाब छक्का, क्या लाजवाब, घुटने को जमीन में टिकाते हुए स्कोर लेग के ऊपर से छक्का लगाते हुए मोंटू। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब तक मोंटू मैदान में है तब तक स्कॉर्पियन की उम्मीद जिंदा है और मोंटू का साथ निभा रहे हैं मोनू। हालांकि मोनू कुछ ज़्यादा बल्लेबाजी अभी कर नहीं पा रहे हैं, हालांकि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज मोनू भी है। और इस मैच को जीतने के लिए अब 68 रनों की आवश्यकता है और 4.4 ओवर अभी भी शेष है। फिर से एक बार शुभंकर, सामने वही मोंटू जिन्होंने 2 गेंदों में 10 रन प्राप्त किए हैं और अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद। और इसी बीच एक दनदनाता डावरलाल दत्तमंजन छक्का मोंटू के बल्ले से, और 16 की आवश्यकता है हर ओवरों में और अभी 3 गेंदों में 16 रन बन चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मैच को अभी भी स्कॉर्पियन जीत सकता है। जिस प्रकार का बल्लेबाजी मोंटू के द्वारा हो रहा है, मोंटू काबिले तारीफ बल्लेबाज है हमारे क्षेत्र के। मेरा मोबाइल डिवाइस थोड़ा हॉट हो गया था जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया मोंटू भाई का लाजवाब छक्का सब। और इसी बीच फिर से एक बार लाजवाब छक्का, क्या बल्लेबाजी करते हुए। इससे पहले जिस ओवर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया 3-4 छक्का लगाए हैं, उन 4 छक्का का मैं कवरेज नहीं दे पाऊंगा दर्शकों को। क्या लाजवाब बल्लेबाजी मोंटू के द्वारा, माफ़ कीजिएगा मोंटू जी आपका रिकॉर्ड मैं कर नहीं पाया, मेरा मोबाइल थोड़ा हॉट हो गया था जिस वजह से। फिर से एक बार मोंटू सामना करेंगे, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। फिर से एक बार दनदनाता हुआ और ये कैच आउट। हालांकि मैच को क्लोज कर दिए हैं और इस मैच को जीतने के लिए अब ज्यादा रनों की आवश्यकता है नहीं। मोंटू ने पूरा मैच को सटा दिया है। अब इस मैच को जीतने के लिए 13 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है।